नमस्कार, ऐसे सुजला में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार तिवारी। इसमें आपको सुजानगढ़ का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। मोहम्मद हुसैन की याद में ये मनाया जाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे और वे मोहम्मद साहब के नाती थे। आइए सुजानगढ़ से मुहर्रम के जुलूस का अवलोकन करते हैं। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, जहाँ पर आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं ताजिया निकाले जा रहे हैं। स्टेशन रोड का नज़ारा आप देख रहे हैं, जहाँ पर ढोल ताशे बजाए जा रहे हैं और ताजिया का जुलूस निकल रहा है। सुजानगढ़ के स्टेशन रोड पर ये पहला ताजिया पहुंचा है, जो कि मौला बिसायती उनका है। मुहर्रम महीना मुस्लिम कैलेंडर का पहला महीना है और सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इसी महीने में मोहम्मद साहब के नाती मोहम्मद हुसैन धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे। उन्हीं की याद में ये मनाया जा रहा है और ताजिए निकाले जा रहे हैं। आज मुहर्रम मनाया जा रहा है। मैं बता दूं, ये कोई त्यौहार नहीं है, ये मातम का दिन है। इमाम हुसैन ने अपनी शहादत आज के दिन दी थी और ये करबला की घटना है। इराक में करबला में ये युद्ध हुआ था, जिसमें केवल 72 लोग थे जो धर्म की रक्षा चाहते थे, उन सबका कत्ल कर दिया गया था। और इसी के उपलक्ष्य में आज ये मातम का त्यौहार मनाया जाता है। और सुजानगढ़ का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। वैसे करबला का जो मैदान है, उसमें ये ताजिया जो है उनको दफनाया जाता है। और जहाँ दफनाया जाता है, इसलिए उसका नाम करबला कहा जाता है, क्योंकि करबला के मैदान में ये लड़ाई हुई थी, जिसमें धर्म की रक्षा के लिए मोहम्मद हुसैन ने अपनी जान गंवा दी थी। मोहम्मद साहब के नवाजे थे, जिनकी याद में आज का दिन मनाया जाता है। मुहर्रम का दिन है और इसको ताजिया निकाला जाता है उनकी याद में। और आज मुहर्रम के दिन आप देख रहे हैं, सुजानगढ़ से ताजिया निकाले जा रहे हैं। मैं आपको सुजानगढ़ के स्टेशन रोड का नज़ारा दिखा रहा हूँ। गांधी चौक पहुंच चुके हैं।
विधायक मनोज मेघवाल सहित अनेक नेता यहाँ पर उपस्थित हैं। नेता और जनप्रतिनिधिगण आ रहे हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं ढोल ताशे बज रहे हैं। ताजिया देखने के लिए पहुंचे हैं। यह था सुजानगढ़ से हमारा खास कार्यक्रम, जहां पर आज मुहर्रम मनाया गया। मोहम्मद हुसैन की याद में आज ताजिए निकाले गए। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने इसमें भाग लिया। ऐसे सुजला के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, अपने सहयोगी विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।